तो भाई इस बारे वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ एंड मोड, ठीक है। और भाई देखो यार, इस बारे मोड में ना आपको यार एंड बहुत जगह चलते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला फॉरेस्ट में, ठीक है, और भी आप जो तीन चार बायोम्स देख रहे हो ना स्क्रीन पे, वो सारे के सारे बायोम में आपको ये वाले एंड दिख जाएंगे, ठीक है। अब भाई देखो ये वाले एंड की खासियत क्या ना कि देखो ये वाला एंड आपको वही जगह पे मिलेगा ना जहाँ पे ये वाला घर होगा एंड का, ठीक है। अब भाई देखो यार, जो एंड हाउस होता है ना उसको एंड हिल बोलते हैं, ठीक है। अब भाई देखो यार, इस बार एंड हिल में होता क्या ना, देखो सबसे पहले मैं अंदर जाने से पहले ना मैं टॉर्च लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर ना बहुत सारे बिल बने हुए होते हैं, ठीक है। मतलब आपको बहुत सारे इसके अंदर होल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर से ये एंड आते रहेंगे, और ये जो सारे के सारे एंड है ना वो इसके अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप नीचे में जाओगे तो देखो बहुत बड़ा सा एक होल रहेगा, ठीक है, के अंदर। मतलब आपको एक्सप्लोर करो तो भाई बहुत सारे आपको एंड्स मिलेंगे। और भी मैं इसके आपको फायदा बताता हूँ कि इस वाले एंड हाउस में जाने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा। तो देखो ऐसा कुछ करके ना आपको बहुत मुश्किल से यार अंदर अंदर में जाना पड़ेगा, ठीक है। अरे भैया चढ़ जाओ ऊपर में। अच्छा शायद से ना मेरे को ये थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। चलो खैर कोई नहीं, मैं तो क्रिएटिव में उठी है इसका आंसर, मैं तोड़ पा रहा नहीं तो भाई आप तो सर्वाइवल में होंगे। तो भाई यार आपको बच के भी जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर जाओगे ना तो ये जो एंड्स होते हैं ना यहाँ पे हमला भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप इसके अंदर अंदर जा सकते हो और पूरा मतलब एक्सप्लोर आप कर सकते हो। अंदर में बहुत सारे जगह होते हैं, आप जैसे कि ये देख रहे हो ना छोटा सा, अब पता नहीं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर बहुत सारा ऐसे कंपार्टमेंट टाइप के बने होते हैं। अब देखो इसके अंदर से तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो इसको भी मेरे को ऐसा तोड़ना पड़ेगा। तो मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अंदर में, अंदर अंदर ये होल बहुत नीचे तक जाता है, ठीक है। तो आपको यार ध्यान से नीचे तक जाना है, और ये भी ध्यान रखना है ना कि ये जो एंड्स है ना ये आप पर हमला भी करेंगी जैसे ही आप इनके घर में जाओगे तो, ठीक है। अब देखो यार इस वाले मोड में ना अगर आपने पहले से कोई अपने एंड को टेम करके रखा है ना एप्पल से, तो भाई अगर आप दूसरे एंड को भी मारोगे ना तो वो जो आपके जो टेम्ड हुए पहले से जो एंड है ना वो आप एंड को भी मार देगी, ठीक है। और अगर आप कोई एंड काट रहे हैं ना तो आप उसको सेव खिला के उससे बच सकते हो। तो भाई देखो अब आप बोलोगे कि भाई मेरे को इन एंड से फायदा क्या होगा, तो भाई देखो ये जो एंड्स होती है ना अगर आप इनको मारोगे ना, मतलब आप इनको अगर मार पाओगे ना तब ये चीज ड्रॉप करेंगे, ठीक है, एंड डेथ नाम का ये वाला चीज है, ठीक है। अब इसको आप क्राफ्ट करके ना आप ये वाला हेलमेट बना सकते हो, ठीक है। अब इनका जो बनाने का जो रेसिपी है ना वो कुछ इस तरह का है, आप आयरन के हेलमेट के चारों तरफ ये एंडेड को आप रख देना आपको, और ये वाला आपको हेलमेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे आप ये वाला हेलमेट लगाओगे ना ऐसा कुछ, तो आपने ये वाला पोशन मतलब ये वाला आप पे इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, स्पीड का और नाइट विजन का। मतलब कि अगर आप रात रात को भी एंटिल के पास जाना चाहते हो, मतलब एंटिल के सॉरी अंदर जाना चाहते हो ना, तो आपको नाइट विजन मिल जाएगा, आप इजिली से एंटिल के अंदर जा सकते हो, और साथ के साथ ऐसा कुछ आपको स्पीड मिल जाएगा। और लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि जब तक आप ये हेलमेट लगा के रखे हो ना तभी तक ऐसा कुछ मतलब इसका इफेक्ट रह पाएगा। जैसे आप हेलमेट निकालोगे ऐसा कुछ उतर जाएगा, और जैसे आप ये हेलमेट लगा लोगे ना आपका जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा तेज आप तोड़ पाओगे। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगता है लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, तो मिलते हैं नए वीडियो में।